और साथ में कह रहा है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये वैल्यू सारी की सारी जीरो के बराबर नहीं है, और साथ में आगे भी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में बी सी, इसका मान पूछना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब कैसे निकालेंगे ये सारी वैल्यू, तो पावर के रूप में दी हुई है, तो इस रूप में कन्वर्ट करके कैसे मान निकालेंगे, कैसे दोस्तों, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को उठाएंगे यहाँ पर दोस्तों, अगर इस टाइप का समीकरण हो पावर के रूप में, तो उसको हम क्या करते हैं, के मान के यहाँ पे लगाते हैं, तो वैसे ही सेम काम करेंगे यहाँ पर, के मान लेंगे इस सबकी वैल्यू को, यानी सबके बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, जब सबके बराबर के मान लेंगे तो एक्स टू दी पावर टू ए बराबर के हो जाएगा, और वाई टू दी पावर टू बी बराबर भी क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी मान क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो सभी के बराबर क्यों हो जाएगा, टू सी बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब बराबर की इस पार पावर है, अगर उस पार करेंगे यानी कि इधर से पावर उठा कर उधर करेंगे तो बटे में चली जाएगी, ये तो आपको भी पता है पावर का जो रूल है, तो यहाँ पर टू बी क्या हो जाएगी, वन अपॉइंट टू बी हो जाएगी, और इसी तरीके से जेड बराबर क्या हो जाएगी, वन अपॉइंट टू सी हो जाएगी। इतना तो हो गया क्लियर। अब ये बताइए कि अगला जो कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, वाई जेड है, इतना क्लियर है यहाँ तक, तो बस मान इसका उठा करके इसमें रख दीजिए, यहाँ पर एक सका मान रखेंगे के टू दी पावर वन अपॉन टू ए है, और ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, तो टू टू अपॉन टू ए हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर के पर वन अपॉन टू भी है, बी वाई की वैल्यू, और जेड की वैल्यू क्या है, के टू दी पावर वन अपॉन टू सी है। अब यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो के टू दी पावर वन अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ पर जब देखिए बेस इक्वल है तो गुणे में पावर क्या हो जाएगी, जुट जाएगी, तो जोड़ दीजिए, यानी के टू दी पावर वन अपॉन टू ए हो जाएगी, और प्लस वन अपॉन टू सी हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब बराबर के दोनों पार बेस जब इक्वल रहेगी तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू ए प्लस, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई है, टू बी है, टू बी वन अपॉन टू बी प्लस वन अपॉन टू सी, मान पूछा ये, बस इसे रूप में इसको लाएंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी सी हो जाएगा, टू बी सी इधर लेके चलाएंगे तो इधर टू बी सी हो जाएगा, और इधर आपका इधर जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ आपका बचेगा सी, तो यहाँ पर सी ए हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा बी, तो ये आपका ए बी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बी सी की यहाँ पे कमी है, तो यहाँ पर देखिए बी सी की कमी है, ए बी और सी ए आपका है, तो इधर बी सी ऐड करेंगे, तो क्या दोनों तरफ समान क्रिया नहीं करेंगे, इधर भी बी सी ऐड करेंगे, क्योंकि टू बी सी है और बी सी मिलकर के आपका क्या हो जाएगा, थ्री बी सी हो जाएगा, कोई दिक्कत, बटे में बी सी लाना है तो बटे में बी सी करेंगे, तो इधर भी बटे में बी सी कर दीजिए, तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगी वैल्यू क्या, थ्री, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलेगा ऐसी सात आठ ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, हाँ नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, तब तक के लिए।